शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में या यूं कहें कि विवादों में रहते हैं, लेकिन यही बयान उन्हें अब सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले हैं। भाजपा नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी प्रोफेसर मेधा सोमैया द्वारा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। आज इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय राउत को दोषी करार दिया है। उन्हें 15 दिन जेल की सजा सुनाई गई। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में शामिल। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी थी और 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज कराया था। सुनिए इस फैसले पर किरीट सोमैया ने क्या कहा। संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई गई, उसको कस्टडी में लिया गया है, 25,000 रुपया जुर्माना जो उन्होंने कंप्लेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सोमैया को देना पड़ेगा। मानहानि के इस मामले में संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत मझगांव ने आज गुरुवार को डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा दी। राउत को आईपीसी सेक्शन 500 के तहत सजा सुनाई गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं मेधा सोमैया के वकील। पूरा मामला क्या था? नहीं, अप्रैल 2022 में हमने डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया ने क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत में इंडियन पिनल कोड सेक्शन 500 डिफेमेशन केस फाइल की थी। संजय राउत ने एक बेबुनियाद और डिफेमेटरी आरोप लगाए थे कि 100 कोटी का टॉयलेट घोटाला मेधा किरीट सोमैया ने किया है, परंतु वो आरोप को सिद्ध नहीं कर सके और हमने कोर्ट में एविडेंस लेट करके ये सिद्ध कर दिया है कि आरोप बेबुनियाद थे, डिफेमेटरी थे, मेलिशियस थे। और वो सिद्ध होने के बाद में कोर्ट ने आज उनको 15 दिन की सजा सुनाई है, 25,000 रुपया फाइन कहा है, और अगर 25,000 रुपया फाइन नहीं भरा तो फिर 3 महीने की उनकी सजा होगी। पूरे प्रक्रिया जो 28 मंथ्स चले उसमें हमने ईच एंड एवरी एविडेंस दिए। हमने यहाँ तक कि मीरा भयंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर की रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट अनएम्बिगुअस थी, क्लियर थी कि इस टेंडर में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई भी एनवायरमेंटल सीआरजेड नॉर्म्स कहीं इलीगैलिटी नहीं हुई है, और ये सब हमने रिकॉर्ड पर लाया, हमने सिद्ध किया, और इसीलिए कोर्ट ने आधार के सब बेसिस पर, एविडेंस के बेसिस पर संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है। मेधा सोमैया ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं। उन्होंने कहा था कि वह खबरें देखकर चकित रह गईं कि राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव को लेकर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि मीडिया के सामने दिए गए आरोपी के बयान मानहानि करने वाले हैं, आम जनता के सामने मेरी छवि को खराब करने की नीयत से ये बयान दिए गए। कोर्ट ने फैसला मेधा सोमैया के हक में सुनाया है। फैसले के बाद मेधा सोमैया ने क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले मैं समाधानी हूँ, कोर्ट का मैं आभार मानती हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने न्याय प्रक्रिया अच्छे से चलाई और मुझे जो मेरे पर जो आरोप लगाए थे वो खारिज कर दिए और मैं अभी ऊंचा सम्मान से आगे घूम सकती हूँ और इसीलिए मैं बहुत समाधानी हूँ, संतुष्ट हूँ। किरीट जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये पहला मौका नहीं था जब आपके ऊपर आरोप किए गए संजय राउत की तरफ से, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद उस तरह के आरोप होना संजय राउत बंद तो होने चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर होता है आदमी कभी कभी। फैसले के वक्त अदालत में ही मौजूद संजय राउत ने सूत्रों के मुताबिक कहा कि अब जेल जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। संजय राउत उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, ऐसे में उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाकर अदालत ने नेताओं को जिम्मेदारी से बयान देने की बड़ी सीख भी दे दी।
हालांकि बता दें कि संजय राउत फिलहाल जेल नहीं जाएंगे क्योंकि अदालत ने उनको जमानत दे दी है। संजय राउत को 30 दिन का समय भी दिया गया है इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए।